नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। वक्त हो चला है 4 बजे का, चलिए रुक करते हैं 4 बड़ी खबरों की ओर। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक और बड़े फैसले से यूपी की अर्थव्यवस्था को उम्मीद है कि पंख लगेगी। जी हां, सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे बनाने का फैसला लिया है। यूपीडा ने औद्योगिक केंद्रों के लिए स्थलों को चिन्हित करने के लिए निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार आगरा लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योग लगाने की तैयारी में है। इस परियोजना के लिए 7,000 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी, तो अब यूपी की अर्थव्यवस्था एक बार फिर आसमान को छूने वाली है। दरअसल अब विकास की सौगात एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को दी है। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से जो यूपी की अर्थव्यवस्था है उसमें बड़ा उछाल तो देखने को मिलेगा ही, इसके साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए प्रस्तावित लगभग 60 किलोमीटर का इंटरलिंक एक्सप्रेसवे लखनऊ के हर एंट्री पॉइंट से जुड़ेगा। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर 4 इंटरचेंज भी बनाए जाएंगे और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि यूपीडा ने औद्योगिक गलियारों के लिए 30 स्थानों का सिलेक्शन किया है, यानी कि इन 30 स्थानों पर जो उद्योग है वो स्थापित किए जाएंगे। 5,800 हेक्टेयर पर विकसित होने वाले औद्योगिक गलियारों के निर्माण पर करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च होने का भी अनुमान जताया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए प्रस्तावित लगभग 60 किलोमीटर का इंटरलिंक एक्सप्रेसवे लखनऊ के हर एंट्री पॉइंट से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए एक्सप्रेसवे पर 4 इंटरचेंज भी बनाए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए यूपी में 5 एक्सप्रेसवे के किनारे जो 30 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको बनाने का जो प्रस्ताव है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब सामने आ चुका है, लेकिन ये जो औद्योगिक जो कॉरिडोर डेवलप करने की बात की जा रही है, आखिर इससे यूपी की जो इकोनॉमी है उसमें किस तरीके से सुधार देखने को मिलेगा? रितेश, देखिए मुस्कान, अभी आपने देखा होगा कि ग्लोबल समिट हुई थी उत्तर प्रदेश में, निवेशकों की भरमार लगी थी, तो उसको देखते हुए जो औद्योगिक विकास की बात की जा रही है, यूपीडा इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हरी झंडी भी मिल चुकी है। तो ऐसे में जो 5 एक्सप्रेसवे हैं उनके किनारों पर जगहों को चिन्हित किया गया है, 30 ऐसे स्थान है जिनको चिन्हित किया गया है और वहां पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटन जिलाधिकारियों को कर भी दिया गया है, जिसके लिए जो अधिसूचित गांव है जहाँ पर जिन किसानों की जमीनें आ रही है उसके लिए वो भूमि अधिग्रहण की भी बात आ रही सामने। तो ऐसे में यूपीडा ने जिस तरीके से पूरा रोड मैप तैयार किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इसकी बात पहुंचाई गई थी, पूरी फाइल पेश हुई थी कैसे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, कैसे विकास होगा। तो ऐसे में 5 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे, तो ऐसे 5 जो एक्सप्रेसवे हैं महत्वपूर्ण, उनके किनारों पर इस तरीके के करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से ये यूपीडा यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास करेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधरती हुई नजर आई। लेकिन देखिए रितेश, 2024 का चुनाव अब लगभग सर पर है, ऐसे में लगातार जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता को विकास की सौगात दे रहे हैं, फीते काट रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, क्या ये जो स्टेप योगी आदित्यनाथ के द्वारा उठाया गया है ये 24 में बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचा सकता है? क्या लगता है इस फैसले को देख के? देखिए इसमें मुस्कान बात समझने वाली होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जो 80 लोकसभा सीट है, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो उनको किस तरीके से फायदा पहुंचाया जा सके, ये भारतीय जनता पार्टी एक कार्यनीति और रणनीति तैयार की है कि आखिर जनता को सीधा लाभ कैसे मिल पाए। तो ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र का विकास होना, 5 जो लिंक एक्सप्रेसवे है उनकी उनके क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र का विकास होना, वहां पर कारखाने बनना, फैक्ट्रियां बनना, उद्योग लगाना, ऐसे में जो वहाँ के आसपास की जनता है उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिलने की भी बात होगी। जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट में देश विदेश से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उनको भूमि भी दिलाना, ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में वो विकास की एक राह बढ़ेगी। तो जब वहाँ पर नौकरियां बढ़ेंगी, अगर वहाँ पर रोजगार बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस चीज को भी सराहा जा सकता है और देखा जा सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट लगातार, ये तो रही उद्योगों की बात जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन देखिए एक इंटरलिंक की भी बात निकल के सामने आ रही है कि इंटरलिंक एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने से आखिर फायदा किस तरीके से देखने को मिलेगा? मतलब हमें इंटरलिंक एक्सप्रेसवे की आखिर जरूरत क्यों है? देखिए इंटरलिंक एक्सप्रेसवे की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी रोजगार अगर किया जा रहा है, कोई भी व्यापार किया जा रहा है, तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अगर आज
आपस में आने जाने की यात्रा सुगम होगी, रास्ता होगा तो जरूर सरल होगा, क्योंकि जिस तरीके की आप देखते होंगे अगर कोई चीज भार वाहन है, अगर कहीं दूर से आ रहा हो रास्ता घूम करके है, और अगर कोई इंटरकनेक्ट अगर उसका रोड है इस शहर में, वो अचानक कम दूरी तय करके पहुंचता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा मिलता है और जो खर्च होता है वो कम होता है। तो ऐसे में अगर इंटरलिंक की बात की जाए तो ये भी कहीं ना कहीं इसका भी एक फायदा जनता को भी सीधा इसका लाभ मिलने वाला है, जिसका पूरा जो श्रेय है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार इस एक्सप्रेस वे के आसपास जो इंटरलिंक एक्सप्रेस वे के जरिए कहीं ना कहीं जो सामान का आदान प्रदान है उससे सीधे तौर पर एक आसानी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में कितनी जगह इंटरलिंक एक्सप्रेस वे बनाने के लिए चिन्हित की गई है? देखिए अभी जो इंटरलिंक की बात हो रही है वो अभी जो उनके पास मुख्यमंत्री के पास जो फाइल पहुंचाई गई है वो 5 एक्सप्रेसवे जो इस समय मौजूद मौके पर हैं, अगर बात की जाए तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, आगरा है, बुंदेलखंड है। अब तो ऐसे में इन जगहों के आसपास में लगभग 3 जगहों को जो चिन्हित किया गया है, वहां से कैसे इंटरकनेक्ट होगा उस पर भी बात किया जा रहा है, उसके ऊपर भी फाइल बनी है। हालांकि अभी जो जानकारी मिले उसके लिए भूमि अधिग्रहण की भी कार्य चल रहे हैं, उसके लिए जो जिलाधिकारी हैं उनको लगभग 200 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए हैं। तो यानी इन 5 स्थानों तक पहुंचने के लिए यदि आप शहर में किसी राजधानी में या किसी शहर में किसी जिले में अगर आप एंट्री कर रहे हैं और आपके लिए यात्रा अगर सुगम होती है, अगर सरल होता है, दूरी कम होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यापार जो व्यापार बढ़ेगा भी और उस पर लागत भी कम आएगी, तो उसका सीधा फायदा जनता तक पहुंचेगा। बिल्कुल, देखिए रितेश, अक्सर देखा गया है कि जो योजनाएं हैं वो पन्नों पर तो बन जाती हैं, हस्ताक्षर हो जाता है, लेकिन धरातल पर आने में उसे बहुत समय लग जाता है। अभी लगातार हम ये जिक्र कर रहे हैं कि औद्योगिक गलियारे तमाम एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए जाएंगे, लेकिन जमीनों के जो अधिग्रहण का काम है वो कब से शुरू होगा? देखिए इसके लिए आज जो जानकारी मिल रही है इसके लिए आदेशित कर दिया गया है, जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको इस बारे में बता दिया गया है और उनके खाते में पैसे भी डाल दिए गए हैं, यानी वो भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर सकते हैं। जिन स्थानों को चिन्हित किया गया है या जिन स्थानों को चिन्हित करना है उसके लिए पहली जो रकम है, जो पहली किस्त है लगभग 200 करोड़ रुपए, वो जिलाधिकारी के पास यानी प्रशासनिक अधिकारी के पास में वो डाल दिया गया है। अब वो आने वाले समय में जो वो जहाँ जहाँ पर जमीनें हैं, जिन जमीनों को चिन्हित करना है वहां पर किस तरीके का खाका तैयार करना है, किस किसान को कैसे उसका पैसा देना है, तो ये सारी चीजें जिलाधिकारी के अंडर में होंगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो यूपीडा इस तरीके का औद्योगिक विकास कर रहा है उसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित भी किया जा चुका है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश उस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में महज अब कुछ ही दिन का वक्त शेष बाकी है, ऐसे में लाजमी है कि हर एक पार्टी तैयारियां जोरों शोरों से कर रही होगी। चुनावी तैयारियों में खुद को हमेशा आगे रखने वाली बीजेपी अब एक और बड़े फेरबदल की तैयारियों में दिखाई दे रही है। कई दिनों से चर्चा हो रही थी कि बीजेपी अपने जिला और क्षेत्रीय प्रभारियों को जल्द ही बदलेगी, लेकिन अब कई जिलों के जिला अध्यक्षों को भी बदल दिया गया है। बता दें कि बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले जिला अध्यक्षों पर बीजेपी कई दिनों से कार्रवाई करने के मूड में थी और अब ये कार्रवाई जल्द ही देखने को मिल सकती है। तो शिथिल कामकाज करने वाले तमाम जिला अध्यक्षों पर एक बार फिर गाज गिरने की संभावना भावनाएं जताई जा रही है, जिसके लिए एक लिस्ट तैयार की गई और जल्द इस लिस्ट में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। तो लोकसभा में बीजेपी सक्रियता से नजर आ रही है, बूथ स्तर को मजबूत करने के साथ ही जो भी उनके नेता मंत्री और या जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, तमाम पदाधिकारी अगर वो कामकाज में ढील ढाला रवैया अपनाते हैं तो उनके खिलाफ भी बीजेपी लगातार कार्रवाई करने की ओर आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि एक बार फिर से तमाम कई ऐसे जिलाध्यक्ष है जिनकी एक बड़ी और लंबी सूची तैयार की है, जिनमें बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद है। गौरव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए बीजेपी 2024 को लेकर बिल्कुल भी हीला हवाले के मूड में नजर नहीं आती है, लगातार बदलाव की बयार बह रही है बीजेपी, लगातार अंदरूनी स्तर से लेकर बाहरी स्तर तक हर एक स्तर पर एक बड़ा बदलाव कर रही है। ऐसे में जिला अध्यक्षों के नाम भी बदले जा सकते हैं। कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि एक लिस्ट तैयार हो चुकी है और इस लिस्ट के जरिए जो भी शिथिल रवैया अपनाने वाले जिला अध्यक्ष हैं उनके नाम बदले जा सकते हैं। टॉप पर वो जिला अध्यक्ष कौन से हैं गौरव, जिन पर कार्रवाई होने की उम्मीद सबसे ज्यादा अभी फिलहाल नजर आती है? देखिए मुस्कान, सबसे अहम बात यह है, चुनाव महत्वपूर्ण है, 24 चुनाव को लेकर बीजेपी कोई भी कुरकसर छोड़ना नहीं चाहती है और उसके लिए बीजेपी समय समय पर बदलाव करती रहती है। अभी हाल में ही
जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी, पर यहाँ पर अगर फेरबदल हो रहा है तो इसके लिए जरूरत यहाँ पर आठ पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर अगर केंद्र की सत्ता पहुँचना है तो उत्तर प्रदेश को मजबूत करना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, यहाँ बीजेपी जानती है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सीट जीतना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर 14 की बात करें 71 सीटें आई थी, उसके बाद हमने देखा 64 सीटें यहाँ पर 19 में आई थी, वहाँ पर 7 सीटों का नुकसान हुआ था। उसके बाद बीजेपी संजीदा रूप से यहाँ पर काम करती नजर आ रही है। खासतौर पर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 14 हारी सीटों में उस पर मेहनत करनी हो, जो अगर बात करें तो पश्चिम क्षेत्र की तमाम सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कि जिलाध्यक्ष के बदलाव की यहाँ पर सूचना मिलने को मिलने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर केवल बीजेपी को सत्ता पक्ष नहीं लड़ना है, बल्कि वहाँ पर बीजेपी को केवल और केवल विपक्ष समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और आरएलडी से भी लड़ना है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर होने वाली है जिलाध्यक्षों की भी, कि बूथ स्तर पर अगर आप मजबूत नहीं होंगे तो उसका नुकसान आपको आगामी लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं लेकिन देखिए गौरव, अभी जल्दी तो जिलाध्यक्षों की एक नई सूची जारी की थी जिसमें कई नए जिलाध्यक्षों को जोड़ा गया था, पुरानों को हटाया गया था, ऐसे में आखिर इतनी जल्दी क्या हो गई, आखिर ऐसा अंदरूनी स्तर पर क्या देखने को मिला दिल्ली दरबार को कि एक बार फिर 24 के चुनाव से पहले फिर जिलाध्यक्ष बदले जा रहे हैं? देखिए मुस्कान, उसका एक आधार होता है, आधार ये होता है जब भी जिलाध्यक्ष बदले जाते हैं तो कामकाज देखा जाता है, और बीजेपी ने अभी हाल में देखा है किस तरह के तमाम तरह के अभियान चलाए गए थे, और अभियान के माध्यम से बीजेपी अपने जिलाध्यक्षों को अपने संगठन को यहाँ पर तोलती रहती है। यहाँ पर अभियान चलाए गए, तमाम तरह के सम्मेलन कराए गए, उसके दौरान जिनकी भूमिका बहुत अच्छी रही, सक्रियता अच्छी रही, उनको यहाँ पर कंटिन्यू किया जाएगा। बाकी जिन्होंने काम नहीं किया, जिन्होंने बूथ स्तर पर काम नहीं किया, जो सम्मेलन कराए गए उनमें भीड़ नहीं जुटा पाए, लोग नहीं बुला पाए और वहाँ पर उनका जनाधार नहीं बढ़ा पाए, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होनी तय है, गाज गिरनी तय है, क्योंकि यहाँ पर समय नहीं रह गया, 5 महीने चुनाव में बचे हैं, और 5 महीने चुनाव में बचे होने के चलते बीजेपी यहाँ पर किसी भी ऐसे निष्क्रिय व्यक्ति को नहीं जोड़ने की, कार्यकर्ता को नहीं जोड़ेगी जो आगामी 24 चुनाव में उनको नुकसान पहुँचाए। तो यही नीति है, कामकाज का देखा, सक्रियता देखी जाती है, और अगर अभियानों को यहाँ धार नहीं देंगे, अभियानों को बेहतर तरीके से आप क्रियान्वित नहीं करेंगे तो बीजेपी बड़े कदम भी उठाती है, और फिलहाल यहाँ पर इन्हीं बड़े कदम उठाने की चर्चा चल रही है। बिल्कुल ठीक है। देखिए गौरव, लगा अगर हम बात करें तो तकरीबन कितने जिलाध्यक्षों के नाम जो है उनमें बड़ा फेरबदल हो सकता है, क्या अटकलें हैं? मुस्कान, अभी फिलहाल जानकारी के मुताबिक 10 से 15 लोगों के खिलाफ यहाँ कार्रवाई हो सकती है, पश्चिम क्षेत्र के भी तमाम नाम है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूर्वांचल से तमाम नाम शामिल है जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अभी बीजेपी को स्पष्ट कुछ नहीं करती है, बीजेपी का यही एक रोड मैप रहता है कि जानकारी नहीं रहती है। हाँ, ये जरूर होता है कि सरगर्मियाँ चलती है कि बैठक हुई है और यहाँ पर बदलाव होगा, बदलाव किनके खिलाफ होगा, क्योंकि अगर बदलाव शुरुआत से घोषित हो जाता है तो वहाँ पर अंदरूनी कलह भी सामने आ जाती है, और अंदरूनी कलह यहाँ पर बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए बीजेपी बहुत एहतियात कदम उठाते हुए बेहतर तरीके से स्टैंड बाई तैयार करते ही इन बड़े बड़े नामों को काटने विचार करेगी, जो भी यहाँ पर नाम बदले जाएंगे बड़े नाम। अगर हम जिक्र कर रहे हैं कि अभी कुछ ही महीनों पहले देखा जाए तो जिलाध्यक्षों की एक नई लिस्ट जारी की थी, अब फिर बीजेपी बड़े स्तर पर जिलाध्यक्षों को बदलने जा रही है, ये जो जिलाध्यक्ष है इनका तो बदलाव हो जाएगा, लेकिन इस बदलाव के जरिए ये सांसदों को क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है बीजेपी, किस तरीके से इनडायरेक्ट वे में सांसदों को संदेश दिया जा रहा है? देखिए मुस्कान, बीजेपी 24 चुनाव के लिए पूरी तरह मुस्तैद है, और यहाँ पर कोई भी निर्णय लेने के पहले वो हिचकेगी नहीं। हमने पहले भी देखा है तमाम तरह के बड़े नाम काट दिए जाते हैं, जो एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश में किया है, जो एक्सपेरिमेंट और अन्य उन्होंने प्रदेशों में किया है, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट यहाँ भी कर सकती हैं कि बड़े बड़े नामों को यहाँ मौका दे सकती है। उम्र की बात, जो सीमा वाली बात थी, उसको भी यहाँ पर कहा गया है कि चुनाव जरूरी हो सकता है, यहाँ पर जो उम्र की बात कही के तमाम सांसदों को टिकट काटने की बात चल रही थी वो भी यहाँ पर टाल दी गई है, और उन्हीं सांसदों पर दोबारा यहाँ पर दाव लगाया जाएगा, क्योंकि चुनाव महत्वपूर्ण है, और 24 चुनाव में अगर वास्तव में जो 14 हारी सीटों पर कुछ जीत हासिल करनी है, 2014 के जो एक आंकड़ा आया था 71 जो सीटें आई थी उसको अगर पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के पीछे यहाँ पर आपको बदलाव भी जरूरी है, बदलाव के साथ साथ यहाँ पर आपको आगे भी बढ़ना पड़ेगा, फेरबदल करना पड़ेगा, रणनीति बनानी पड़ेगी, और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का प्रयास भी करने पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रामनगरी अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के अभिषेक के लिए जिस शुभ घड़ी का इंतजार किया जा रहा था उसकी तस्वीर साफ हो गई है।
पूरी दुनिया भर में राम भक्त इस तारीख का इंतजार कर रहे हैं और रामलला के विराजमान होने के बाद उनके दर्शन के लिए अब हर कोई देशवासी उत्सुक है। साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से तैयारियों को तेजी से अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र में दोपहर 12:20 ये वो समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का अभिषेक करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहेंगे। तो समारोह के अभियान को कुल 4 स्तरों पर बांटा गया है और 22 जनवरी 12:20 की वो तारीख होगी जब दशकों के एक लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने घर में विराजमान हो जाएंगे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिंदुओं के पक्ष में या यूं कहे कि भगवान राम के पक्ष में ये फैसला सुनाया गया था, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ता रहा और अब 2024 जनवरी वो महीना होगा जब रामलला अपने घर में विराजमान हो जाएंगे। तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। तो देखिए, राम मंदिर धीरे धीरे बनकर तैयार हो रहा है और 12:20 22 जनवरी की वो तारीख होगी जब रामलला अपने घर में विराजमान हो जाएंगे। दशकों का लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा। तो वहीं अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, देखिए 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख होगी जब भगवान रामलला अपने घर में विराजमान हो जाएंगे। एक बरसों का लंबा इंतजार, एक बूढ़े बुजुर्गों के जो सपने वो देखते आ रहे थे, अब वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि अब राम मंदिर निर्माण का जो अंतिम रूप है उसको दिया जाने का काम शुरू हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तस्वीरें कैसी देख पा रहे हैं आप शक्ति? यहाँ की तस्वीरें जो तैयारियों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रभु श्री राम जी का मंदिर है वो 90% कम्प्लीट हो चुका है। जिस प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दिनों रात यहाँ पे कार्य चल रहा है। 22 जनवरी को तैयार हो जाएगा प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए। ठीक है, यानी कि शक्ति एकदम तैयारियां अपने अंतिम रूप में चल रही हैं। अगर आप लगातार ग्राउंड जीरो पर भी गए थे, आपने राम मंदिर को बेहद करीब से देखा, महसूस किया, जो वहां पर मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं जब वो इस मंदिर को बनाते हैं, तो उनमें जोश, उनमें उत्साह कैसा देखा आपने? उनमें उत्साह तो इतना है कि प्रभु श्री राम जी का कार्य जो है वो बहुत किस्मत से लोगों को मिलता है। जितने भी मजदूर थे, जो भी हमसे मिले, उन सब ने ये बोला कि हम धन्य हो गए हैं, प्रभु श्री राम जी का कार्य करने को मुझे मिला। उत्साह अगर बात की जाए तो उत्साह तो बहुत उन लोगों में था। और यही नहीं, अयोध्या के जितने वासी हैं सब यही चाहते हैं कि प्रभु श्री राम में छोटा सा कोई कार्य करने को उनको मिल जाए प्रभु श्री राम जी के मंदिर में। बिल्कुल, देखिए शक्ति, हम ये जिक्र कर रहे हैं कि एक बरसों के लंबे इंतजार के बाद अब जो रामलला है वो अपने घर में विराजमान होंगे। क्योंकि राम मंदिर तो 90% आपने जिक्र किया काम पूरा हो चुका है, लेकिन अयोध्या में किस स्तर पर तैयारी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब तारीख बेहद नजदीक है? जी मैम, अब 2 दिन बाद ही परिक्रमा है यहाँ पे, 14 कोसी परिक्रमा है और 5 कोसी की परिक्रमा आने वाली है। प्रभु श्री राम जी की परिक्रमा की जाती है यहाँ पे, जिसकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही। पूरी अयोध्या को एकदम दुल्हन की तरीके सजाने का जो उनका मनसा है वो पूरा जल्दी ही हो जाएगा। और पूरी अयोध्या जो खोदी गई थी यहाँ पे और सारी अयोध्या में जो कार्य है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। और हम विजुअल के माध्यम में आपको भेजेंगे भी, दिखाएंगे भी, जितने कार्य यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और प्रभु श्री राम जी की अयोध्या जो है बहुत भव्य और खूबसूरत तैयार होने वाली है। बिल्कुल, देखिए शक्ति, लगातार जो निर्माण कार्य है वो और तेजी से चल रहा है, क्योंकि जनवरी 2024 एक महीने का समय लगभग देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर शेष रह गया है। ऐसे में जो जिम्मेदारान अधिकारी हैं उनकी तरफ से राम मंदिर को लेके क्या कुछ बयान दिए गए हैं कि कितना और वक्त लगने वाला है राम मंदिर को पूरा बनके तैयार होने में? पूरा बनके तैयार अगर बात किया जाए तो थोड़ा उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि अभी जो प्रथम तल है वो बन चुका है, दूसरे तल का जो प्रभु श्री राम जी का है वो अभी कार्य चल रहा है। प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को अयोध्या में। अगर हम मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त में मृगशिरा नक्षत्र में 12:20 पे प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी माननीय मोदी जी के द्वारा। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और सूबे के मुख्यमंत्री जो है वो भी रहेंगे, आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी वहाँ पे, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी रहेंगे यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद शक्ति तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।
अगली खबर रायबरेली से है, जहां सराफा व्यापारी से करीब 1 करोड़ की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना को उस समय अंजाम दिया गया जब व्यापारी अपनी दुकान से वापस घर की ओर लौट रहा था और पूरी वारदात का लाइव सीसीटीवी भी अब सामने आ चुका है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे पहले से घात लगाए बैठे 3 बदमाशों ने व्यापारी से लूट की और पूरा मामला जिले के लालगंज सब्जी मंडी का है। यहां लूट के बाद बदमाश भीड़ भाड़ वाली जगह से सोने के आभूषण वाला बैग लेकर भाग निकले और बदमाशों की रेकी इतनी सटीक थी कि उन्होंने चांदी वाले बैग को छुआ तक नहीं। मतलब हम दुकान से घर जा रहे थे, हमारा सामान सोने का भरा हुआ बैग लूट करके चले गए। कितना था? 1700 ग्राम समथिंग माल था। कीमत लगा? 1 के समथिंग थी। अपने ये घटना कितनी समय की है? घटना 7:45 से 7:20 से 30 थी। कितने लोग थे? 3 लोग थे, बाइक से थे। जी असलाह? हाँ, 2 असलाह थे, दो लोग असलाहधारी थे। आपको लगाए थे या? जी आपको लगाए थे असलाह या? नहीं, हमको असलाह दिखा करके ही बैग ले लिया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलवंत। देखिए, जो लूटपाट की घटना है इसका लाइव फुटेज भी अब सामने आ चुका है, जिसमें साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए ये देखा जा सकता है कि पहले सीधे सीधे रेकी की गई है, फिर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है और अभी तक एक्शन क्या लिया गया है? बलवंत, तो बलवंत से संपर्क दोबारा स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए ये एक बड़ी और अहम खबर है। 1 करोड़ की लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है पूरी रेकी के साथ। जो 3 चोर है वो उस वारदात को अंजाम देने आते हैं, जहां अपराधियों ने इस कदर और इतनी पुष्ट तौर पर रेकी की होती है कि वो चांदी भरा बैग छूते भी नहीं है। वो जो 3 चोर इस तस्वीरों में दिख रहे हैं, जो सीसीटीवी कैमरों के जरिए देखा जा सकता है, उसमें जो 3 चोर हैं वो सिर्फ सोने से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो जाते हैं। और फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे सहयोगी बलवंत हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार हम उनसे दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक बार फिर वापस आपको पीड़ित द्वारा क्या कुछ बयान दिया गया है एक बार वो सुनाते हैं। मतलब हम दुकान से घर जा रहे थे, हमारा सामान सोने का भरा हुआ बैग लूट करके चले गए। कितना था कितना सोना? 1700 ग्राम समथिंग माल था। कीमत लगा? 1 के समथिंग थी। अपने ये घटना कितनी समय की है? घटना 7:45 से 7:20 से 30 थी। कितने लोग थे? 3 लोग थे, बाइक से थे। जी हाँ, 2 असलाह थे, दो लोग असलाहधारी थे। जी, तो बलवंत एक बार फिर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलवंत, देखिए लूटपाट की जो घटना है इसका एक सीसीटीवी भी सामने आ चुका है और इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर जाहिर होता है कि बदमाशों ने पहले रेकी की है, क्योंकि उन्होंने चांदी से भरे बैग को छुआ तक नहीं है। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है और अभी तक क्या एक्शन लिया गया है चोरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा? बलवंत ये मुस्कान, आपको बता दें कि पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का है, जहां पर देर शाम कल सर्राफा व्यवसायी के साथ एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जिससे प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। यहां तक पुलिस अधीक्षक व बात करें तो लखनऊ तरुण गाबा जो आईजी रेंज है वो भी इस घटना को संज्ञान लेते हुए आज निरीक्षण किया है और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। वहीं अगर हम बात करें तो जो 4 टीमें लगा दी गई है, गठित कर दी गई है आरोपियों को पकड़ने के लिए। लेकिन देखिए बलवंत, ये एक बड़ी घटना है, 1 करोड़ की बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है और पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। जी मुस्कान, अभी सबसे बड़ी लापरवाही थाना प्रभारी शिवशंकर सिंह की है, जो ये पुलिस गश्त की कहीं ना कहीं पोल खोल रहे हैं। आरोपी जिस तरह हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, थाना प्रभारी की लचर कार्यशैली भी इससे साफ जाहिर हो रही है। बिल्कुल बलवंत, लेकिन देखिए लगातार जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ चुके हैं उसमें 3 लोग साफ तौर पर दिखाई देते हैं। पीड़ित के द्वारा क्या कुछ बयान इस पूरे मामले पर दिया जा रहा है? जी, पीड़ित द्वारा ये बताया जा रहा है कि 1 करोड़ की लूट उसके साथ घटना हुई है। हालांकि पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि उसके भाई के जो सूत्रों से पता चला कि भाई के जो आरोपी है उनके दुश्मनी भी थी, जो जाहिर तौर पर है कि इस घटना को कहीं ना कहीं अंजाम देने की बड़ी घटना अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद बलवंत इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।